सबसे पहले मेरे पासपोर्ट में उन्होंने एक ही चीज़ देखा, वो था अजरबैजान का स्टाम्प। प्रॉब्लम आई लाइक अजरबैजान क्यों गए थे? मैंने कहा भाई फंस गया वहाँ जाके, मैं मेरा जाने का मन थोड़ी था वहाँ पे, मैं तो उसमें 6 महीने क्यों रहेगा, मैं रहूँगा अजरबैजान में। गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ बॉर्डर पे, बॉर्डर जोन बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, और यू कैन से नागोर्नो कारबाख। हालांकि मेरे जो उस समय उस राइट साइड में देख रहे हो आप, वो कुछ नॉर्मल नहीं है, वो है रशियन फेडरेशन। आई विल एक्सप्लेन द होल स्टोरी। तो मैं आ गया था, हालांकि मुझे नागोर्नो कारबाख जाने का मन नहीं था, क्योंकि काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ जाने के बाद। तो मैं वहाँ पे सिर्फ बॉर्डर के पास गया था, आर्मेनिया और नागोर्नो कारबाख का बॉर्डर, या तो फिर आप अजरबैजान का बॉर्डर बोल लो। सो आपको पता है कि यहाँ पे वॉर हुआ था हाल ही में, मतलब वॉर के हुए अभी 7-8 महीने भी ख़त्म हुए नहीं है, वॉर जैसे हाल ही में ख़त्म हुआ है। तो हम लोग सोचे चलो जाते हैं, पता करते हैं क्या प्रोसेस है जाने का, नहीं है जाने का, कि हम लोग जा भी सकते हैं नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैसे वहाँ पहुँचे तो हमारा पासपोर्ट मांगा गया, मैंने पासपोर्ट दिया अपना, ब्रिटेन का पासपोर्ट दिया अपना, अनुसा ने पासपोर्ट दिया एंड नास्ते ने पासपोर्ट दिया। सबसे पहले मेरे पासपोर्ट में उन्होंने एक ही चीज़ देखा, वो था अजरबैजान का स्टाम्प। प्रॉब्लम आई लाइक अजरबैजान क्यों गए थे? मैंने कहा भाई फंस गया वहाँ जाके, मैं मेरा जाने का मन थोड़ी था वहाँ पे, मैं तो उसमें 6 महीने क्यों रहेगा, मैं रहूँगा अजरबैजान में। Okay, no honk. Look. I'm good Indian. Look at me. Okay. I even stop. Okay. And I'm such a good Indian. I turn off the car. Okay, good. Turn off the car and wait for the car to go. But story continue करते हैं। तो उसके बाद मेरा पासपोर्ट वगैरह देखा, फिर अच्छे खासे बातें करने लगे। उन्होंने उतना माइंड नहीं किया कि आप जरा बजान गए थे, काफ़ी गुस्सा वगैरह हो रहे थे, नॉर्मली बातें कर रहे थे। उसके बाद पता चला कि ज़्यादा कि बताया कि क्या हम लोग कारबाख जा भी सकते हैं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वॉर जस्ट खत्म हुआ है। अब जो क्या है कि भाई जो पहले जो था वॉर के जो पहले था, इट वाज ऑल कंट्रोल बाय आर्मेनियन फोर्सेस एंड लाइक जो लोकल रिपब्लिक है, अर्थ खास कहते हैं रिपब्लिक ऑफ अर्थ खास, सेल्फ डिक्लेयर्ड कंट्री है वो। उसका एक्चुअली पासपोर्ट एंड स्टाम्प भी मिलता है, एक पेपर भी मिलता है, लाइक स्टिकर वीज़ा भी मिलता है अर्थ खास का। दीपांशु भाई गए हुए हैं, दीपांशु भाई को पता है। तो मैंने उनका पेपर भी देखा है, अर्थ खास का पेपर आता है, उसमें नाम वगैरह लिखा रहता है, एकदम वीजा की तरह नॉर्मली रहता है। तो वो पता करना था कि जा सकते भी नहीं जा सकते हैं जो नागोर्नो कारबाख या रिपब्लिक ऑफ अर्थ खास, जो बोलना है बोल लो आप। तो वो भाई साहब ने बोला कि हम आपको जाने तो दे सकते हैं, मुझे नहीं, मुझे छोड़ के इन तीनों को जाने दे सकते हैं। 90% चांस है कि ब्रिटेन एंड अनुसा, और मुझे भी उन्होंने कहा ठीक है जाने दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी बात करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको जाने दे सकता हूँ और अंदर तक। तो उन्होंने कहा कि 90% चांस है कि आपको रशियन, क्योंकि अब जो वॉर के बाद क्या हुआ ना भाई, कि जो कंट्रोल था वो कंट्रोल अब रशियन कर रहे हैं, रशियन पीस कीपर हैं, आपको इस एरिया में, पूरे एरिया में आपको रशियन दिख जाएंगे। तो वॉर को जो लाइक वॉर के बीच जो बातें हुई पुतिन और अलग अलग लीडर्स में, तो उसमें क्या हुआ कि रशियन ने कहा कि हम लोग वहाँ पीस कीपर हैं, आई थिंक रशियन के अराउंड 4-5 हज़ार पीस कीपर्स हैं वहाँ पे। तो पूरे एरिया में रशियंस हैं, जो छोटा सा एरिया है अर्थ खास के पहले, अर्थ खास अभी भी जो जिसके कैपिटल है स्पेन खार्त, नाम मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, स्पेन हार्त खार्त जो भी बोलते हैं, और उसके अलावा जो सराउंडिंग एरिया जो उसको जो रशियन पीस कीपर्स अभी गाइड कर रहे हैं, मतलब रशियन वहाँ पे पूरे रशियंस हैं। तो उन्होंने कहा कि 90% चांस है कि ब्रिटेन एंड अनुसा एंड आप को वापस भेज दिया जाएगा, नास्तिया सीजन इन मतलब रूसकी है, वो रशियन है, तो वो जा सकती है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हम तीनों के लिए, खास करके ब्रिटेन के लिए, क्योंकि अमेरिकन है हम, मैं क्योंकि मेरे पास मेरा प्रॉब्लम था कि मैं अजरबैजान जा गया हुआ था, तो थोड़ा उसी के मेरे साथ प्रॉब्लम होता, बट नास्ते के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, नास्ते जा सकती थी बिना कोई दिक्कत के। हालांकि ये अजरबैजान से बैन हो जाती अगर जाती तो, लेकिन हम लोग कोई गए नहीं, तो कोई भी बैन नहीं हुआ अजरबैजान से फिलहाल भी। तो यही ये था भाई, अच्छा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हर जगह आपको रशिया का फ्लैग देखने को मिल जाएगा। मैंने नास्ते को कहा भी कि तुम्हारा घर यहाँ पे आ गया है, नास्तिया तिबिया दोमा, तो दादा तिबिया दोमा माई होम, रूस की फेडरेशन, रूस की फेडरेशन। तो ये था भाई, बाकी ठीक है। हाँ अरे वहाँ पे बताना भूल गया, वहाँ पे अच्छे खासे थे, चाय वगैरह पिलाया, कॉफ़ी पिलाई एक्चुअली, खाना पीना भी थोड़ा मोड़ा, खाना मतलब बिस्कुट्स वगैरह खिलाया, मीठे वगैरह, तो अच्छा लगा कि उन लोगों से अच्छे, हमारे 1-1.5 घंटे तक बातें हुई, एंड यहाँ पे भी कुछ कहा है यार, अच्छे लोग थे वहाँ पे,
Brandon, how about the experience? It was actually quite nice. You know, I went to the other border for Nagorno-Karabakh, and they were actually kind of like mean. It was the Russians, actually. all these cows. This is funny. I love Armenia for this. It's so beautiful, so picturesque. Why do I feel like we're going to But this one was actually really nice because they offered us coffee and very, very friendly, very nice. And they were talking so well. हालांकि पहुंच तो नहीं पाया बट बॉर्डर तक रह पाया मैं तो भाई कल काराबाग के बॉर्डर तक गए थे लेकिन काराबाग हमें जान नहीं दिया गया था हम लोग इस वक्त हैं गोरी सिटी में गोरी सिटी काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी लग रही है मुझे काइंड ऑफ ब्यूटीफुल ही है और हालांकि ये रशियन हैट मिलिट्री में चला गया मैं हूँ आर्मेनिया की मिलिट्री में मुझे रिक्रूट कर लिया गया है नास्तिया No, Russian. Russian, no? No, I think no. I think no? Okay, no problem. Sakharasho. But chalo, koi nahi, Armenia. Kyunki wahan pe kahi ek jagah gaya, to wahan pe military ka hat wagera mil raha tha. To maine khareed liya. 70-80 rupaye ka mila tha ye. Maine kaha khareed lete hain. Halanki hum log aa gaye hain pratek city ki taraf. Yahan par bhi ek kind of aisi area hai. Aisa dikh raha hai. Ye battery mein mere kya ho gaya abhi? 58% charge tha. Abhi 15% charge ho gaya wapas se. कोई नहीं यहाँ पे कुछ बबस्काज बैठी हुई कोई कॉल कर रहा है क्या लोकल नंबर पे कॉल कर रहा है बाकी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कार के साथ कुछ स्कैम हो रहा है हमारा अगले वीडियो में अभी हम लोग जाएंगे ताते मोनास्ट्री अगले वीडियो में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या चल रहा है कार के इस चीज़ों में काफ़ी पसंद आया अभी तक मुझे आर्मेनिया वो क्या शानदार व्यू है देख रहे हो कॉल कर रहे हैं यार ये आर्मेनिया से बात करेगा इसे Agdela? Хорошо? Хорошо. Yes, Hindi? Hindi. Hindi? Hindi. Hindi? 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 Te Armenia? Armenia. Красиво? Да, 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 так красиво. Спасибо. Ye Armenia ek Soviet country hai. So of course yahan pe logon ko Russian aati hai. Especially jo old log hain, unko to matlab आती है क्योंकि आर्मेनिया कितने साल हुए सोवियत निकले हुए 30 साल हुए होंगे 30 साल पहले सोवियत का पतन हुआ था यहाँ पे क्रिश्चियन कंट्री है भाई तो ये चीज़ आपको देखने को और मिल जाएगी सब चीज़ें और एक बात और कि आर्मेनियन जो भाई फेमस हैं फॉर देयर ग्रेप्स जब वो मर जाते हैं तो अच्छे से एकदम अच्छे से उनका ग्रेप बनाया जाता है यहाँ पर पास में कोई नदी है नदी चल रही है ये जा रही थी चलो बाकी ये कुछ ऐसा है ऐसा दिख रहा है यहाँ पे शानदार ब्यूटीफुल वेदर के साथ यहाँ पे आपके प्रत्येक सिटी में वर्ल्ड वार टू की म्यूजियम देखो देखने को मिल जाएंगे उसका जो रीज़न ये है जब वर्ल्ड वार टू चल रहा था तो ऑफकोर्स आर्मेनिया ने उसको रिक्रूट किया था ब्रिटेन टू टॉक विद द गाय आई थिंक दिस इज द रेंटल गाय नास्तिया They live in Armenia. This country? Da. Yes. Yes. I like. How much beautiful. You like? I don't know. How I didn't much. Do up 3.5% school ka pratishat. I don't know. I see very little. Very little. Очень мало. Очень мало. Country. Хорошо. Ну хватит. Anusia, ma'am, I want to ask you one question. Wait. I don't have data battery. Wait, ma'am. Ma'am. Yes, first thing is that I'm a really big fan of yours. Okay. And second thing, do you like this country? Chut-chut. Chut-chut? Matlab thoda-thoda. Thoda-thoda, haan. Kitna? Thoda matlab kitna? I think wapas to nahi aaungi is country mein. Wapas nahi aa rahi hai? Will you come back this country again? Again, please. Will you come back to this country again? Maybe. Why not? Yeah. Хорошо. ठीक. What about you? Me. कोई पैसा देगा तो आ ही जाऊंगा मैं. तो भाई मेरे पीछे एक सेमेंट्री है और जो नागोर्नो काराबाग का जो युद्ध हुआ था हाल ही में उसमें मैं जाकर देख रहा था कि जो यहाँ पे जो क्रिश्चियन कल्चर में भाई कि जब कोई मरता है तो एक उनकी सेमेंट्री बनाई जाती है और उसमें
लिखा जाता है कि कब से कब उनका जन्म हुआ था, कब ख़त्म हुए थे। तो भाई मैं वहाँ पर जब देख रहा था तो मैं काफ़ी हैरान रहा, उसमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि सिर्फ 17 ईयर्स के थे, कुछ तो 18 ईयर्स के थे, 19 ईयर्स के थे, मोस्टली जो थे भाई 20 ईयर्स के थे। मतलब 2000 में उनका जन्म हुआ और 2020 में उनका देहांत हो गया। जो आपको जो मेरे पीछे जो सीमेंट्री दिख रही है इज ऑल फ्रॉम द नागोर्नो कराबाग। तो पीछे आप जो सीमेंट्री दिख रही है तो जितना भी है सब कुछ जो पिछले साल जो युद्ध हुआ था उसी युद्ध में सारे लोग वहाँ पर मरे थे, शहीद हुए थे। जो बोलना है आपको बोल लो, डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो। सो भाई वो सारे लोगों का देहांत हो गया था वहाँ पर। काफ़ी मतलब बुरा फील कर रहा हूँ यार कि सिर्फ 20 साल के थे, कोई 18 साल का था, कोई 17 साल का था, मैंने 17 साल के भी देखा। और वहाँ पे एक्चुअली एक का आज किसी का बर्थडे था तो भाई साहब आए थे, उनका 20वां बर्थडे था आज। और भाई साहब बोट का लेके आए हुए थे और उनके सामने उनको चीयर्स वगैरह कर रहे थे, बोट का पी रहे थे उनके साथ वहीं पर सीमेंट्री के पास। तो जब आपको मैं बताऊँ थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट जो है यही सच्चाई है।